अब यहां पर कालिया नाग का प्रसंग आता है। यमुना नदी विष से भर गई थी, तो भगवान को कालिया नाग को बाहर निकालना है, अब ऐसे कैसे जाके कर दे। तो यहां सारे बच्चे खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे, बॉल होती है ना, तो श्री दामा की गेंद थी और श्री दामा बहुत गरीब थे, उनकी माता ने बड़ी दिक्कत से वो गेंद दिलाई थी, तो उसके लिए वो बड़ी खास थी। अब सब खेल रहे, कोई वहां गेंद फेंके, कोई वहां गेंद फेंके, भगवान के हाथ में गेंद आई, भगवान ने यमुना नदी में फेंकी। अब यहां आजकल के बच्चे बाहर खेलते नहीं, तो मुझे पता नहीं उनको पता होगा कि नहीं, पर हमारी उम्र तक मुझे लगता है हम बाहर काफी खेले हैं, कि स्कूल से आते सब बाहर निकल जाते थे। तो जो खेले हैं उनको पता है कि जब भी कोई ऐसा खेल, ऐसा गेम खेला जा रहा है जिसमें बॉल होती है, तो अगर किसी ने बॉल इधर उधर फेंकी है तो क्या वाक्य का प्रयोग होता था, जिसने फेंका है वही लेकर आएगा। तो जैसे ही भगवान ने यमुना नदी में वो गेंद फेंकी, वो कहते ना कि ये अपने आप ही मुख से निकलता है, तो उसने सोचा भी नहीं श्रीदामा ने ये बोलने से पहले, उसने तुरंत कह दिया जिसने फेंका है वही लेकर आएगा। भगवान को इसी मौके का इंतजार था, भगवान ने लगाई छलांग, यमुना नदी में कूद गए। अंदर कालिया नाग से भगवान का युद्ध होता है, वो हार जाता है और उसने कहा मैं कहां जाऊं, आप यहां नहीं रहने दे रहे, मैं बाहर नहीं जा सकता। भगवान कहते बाहर क्यों नहीं जा सकता, बोले आपका गरुड़ नहीं छोड़ता, गरुड़ सांप पकड़ते हैं, उसने कहा आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता। तब भगवान उस पर नृत्य करते हुए ऊपर आए थे, क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरे पैरों के निशान तुम्हारे फनों पर है, अब वो देखकर वो तुमसे दूर हो जाएगा, पर यमुना नदी को छोड़कर जाओ। तो भगवान कालिया नाग को भेजते हैं। यहां पर खेलते खेलते एक और दैत्य की कथा आती है, अधासुर नामक एक दैत्य आते हैं जिन्होंने अजगर का रूप लिया और वो बीच रास्ते में मुख खोल कर बैठ गए। दूर से कोई आए तो उसको लग रही कोई गुफा है, तो बच्चे खेलते खेलते गुफा के अंदर चले गए, भगवान भी अंदर गए। अब अंदर अंधेरा है, तो भगवान ने अंधेरे का फायदा उठाया, भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते भगवान उसके पेट को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। बच्चे फिर खेलते खेलते बाहर आ जाते हैं। सुखदेव जी यहां समझाते हैं कि इस कथा से सीख क्या है, कि अधासुर मतलब कलयुग, संसार, इसके अंदर अगर भगवान को लेकर घुसोगे तो सुरक्षित बाहर आ जाओगे, अगर भगवान को बाहर छोड़ दोगे तो अधासुर अपना मुख बंद कर लेगा, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो जाइए संसार में, पूर्ण रूप से घुसिए, पर भगवान को साथ में लेकर, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर सब खेलते खेलते अंदर गए, खेलते खेलते बाहर आ गए। अब यहां पर बताते हैं कि सुखदेव जी ने कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो राधा जी को अपना गुरु मानते थे और गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने राधा नाम का उच्चारण कहीं नहीं किया। उन्होंने राधा जी को बड़ी गोपी से संबोधित किया। किस नाम से? बड़ी गोपी। तो बड़ी गोपी जहां जहां पर भी आता है उसका नाम मतलब है। अच्छा, गुरु क्यों मानते थे? प्रसंग है कि सुखदेव जी, हम सभी जानते किसका स्वरूप है, किसके रूप में आए हैं, तोते का रूप है, शुक बालक है, तो तोते का रूप है। तो उन्होंने कहीं से राधा राधा नाम सुन रखा था, तो वो राधा राधा नाम का उच्चारण करते थे, जो सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई, वो उनको दर्शन देने आती है। उन्होंने आकर कहा पुत्र राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहो? अच्छा, यहां कितने हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं, हाथ उठाना।
आप सभी को गुरु मंत्र दिए गए होंगे, जाप करते हैं, वेरी गुड। तो गुरु क्यों बनाए जाते हैं, साफ शब्दों में बता, घुमा फिरा के नहीं ऐसे, क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं, पर साफ शब्दों में गुरु क्यों बनाते हैं, भगवान से मिलने के लिए। हाँ तो सही बात तो भगवान ही है, तो भगवान से मिलने के सीधे शब्दों में अगर कहें तो गुरु हम क्यों बनाते हैं, भगवान से मिलने के लिए। और गुरु जी आपको गुरु मंत्र देते हैं जिसका आप रोज जाप करते हैं। तो यहां पर गुरु कैसे मानी गई, राधा जी बताया गया है कि वो राधा राधा नाम का उच्चारण करते थे। तो राधा जी आई, राधा जी ने कहा राधा राधा मत कहो, क्या कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी ने दिया गुरु मंत्र जिसका वो जाप करने लगे। अब वो कृष्ण 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 कहने लगे, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण आए, मिला दिया भगवान से। तो इसीलिए तब से वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया जिसका जाप करने से मुझे भगवत प्राप्ति हुई। और आपने जब सुखदेव जी के अवतार की कथा सुनी थी तो सुखदेव जी कहां पर आए थे, कैलाश पर्वत पे, वेरी गुड। तो राधा जी ने ही उनको भेजा था, जब श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करने जा रहे थे तो राधा जी भी तैयारी में थी, तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मुझे भी साथ जाना है। तो राधा जी ने कहा तुम जाकर क्या करोगे, बोले मैं आपकी कथाएं सुनूंगा। तो बोले फिर मेरे साथ मत चलो, मैं तुमको कैलाश पर्वत भेजती हूं, वहां आए दिन महादेव जी और पार्वती जी कोई ना कोई कथा की चर्चा करते रहते हैं, तो उनको तो कथा सुनना था। तो इसीलिए सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। और ऐसे भी राधा जी को मनाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो राधा जी को मनाता है उनको भगवान मिल ही जाते हैं, सच्ची बात है कि नहीं है। इसीलिए तो हम गाते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, कि अगर भगवान से मिलना है तो राधा जी को मना लो। वृंदावन इत्यादि में जाओ तो सब कोई कृष्ण का नाम कम लेते हैं, राधे 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 राधे, क्यों, क्योंकि सबको पता है कृष्ण को मनाना है तो पहले किसको मनाना पड़ेगा, राधा जी को।